दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ वापस लेकर जो हमने कहानी पढ़ी थी, राग की रस्सी, उसका क्रियाकलाप। जी हाँ, तो जो आज हम क्रियाकलाप करने वाले हैं वह लिया गया आपकी पुस्तक भीमजिम कक्षा 5 एनसीईआरटी के पाठ राग की रस्सी से। अगर ये कहानी आपने नहीं पढ़ी है तो जाइए पिछली वीडियो में और पहले ये कहानी सुनिए, बड़ी ही मनोरंजक है। सुनिए और वापस आइए। तो जो क्रियाकलाप आज हम करने वाले हैं वह दिया गया है पृष्ठ संख्या 8 पर। जी हाँ, 8 पर। तो चलिए देखते हैं क्या क्रियाकलाप है। भोला भाला का प्रश्न 1। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। अब इसी बात पर दो प्रश्न हमें दिए गए हैं। पहला है कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे, और दूसरा है कि तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करते। तो हमें दो प्रश्न दिए हैं इस बात पर। क्या थी वह बात? कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे कि उनका बेटा इतना ज्यादा भोला है, जरा भी होशियार नहीं है, पूरा दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, कोई भी बेवकूफ बना देगा, है ना। तो हमें अब ये लिखना है कि उनके दिमाग में क्या क्या विचार होते होंगे, क्यों परेशान होते होंगे कि अगर उनका बेटा भोला है। और दूसरा प्रश्न है कि अगर हम होते तिब्बत के मंत्री की जगह तो हम क्या उपाय करते। तो चलिए सबसे पहले पहले प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, जो कि था कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो मंत्री जी अपने बेटे के भोलेपन को लेकर परेशान रहते थे। वे सोचते होंगे कि उनका बेटा किस तरह जीवन यापन करेगा, कोई उसका गलत फायदा ना उठा ले, क्या वह नौकरी कर पाएगा। मंत्री जी उसकी शादी को लेकर भी परेशान होंगे। तो यह सारी बातें वह सोचते होंगे और परेशान होते होंगे कि वह कैसे अपना जीवन यापन करेगा, किस तरीके की नौकरी करेगा, कोई उसका गलत फायदा ना उठा ले, क्योंकि वह इतना भोला है कि वह किसी पर भी भरोसा कर लेगा, और कैसी लड़की से वह शादी करेगा, कैसा जीवन साथी ढूंढेगा। तो इन सारी बातों को लेकर वह बहुत परेशान रहते थे। अब दूसरा प्रश्न है कि तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। अब आपको बताना है, अगर मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं बचपन से ही अपने बेटे पर ध्यान देती, क्योंकि बचपन में ही पता चल जाता ना कि वह बड़ा ही भोला है और उसे होशियारी नहीं है। तो मैं क्या करती, उसे दुनियादारी की समझ सिखाती, उसे जीवन के मूल्यों से अवगत करवाती, उसे अच्छी शिक्षा देती व समय समय पर उसकी परीक्षा लेती, ताकि बड़े होने तक वह समझदार व बुद्धिमान हो जाता। यही मैं सब चीजें करती, मैं बचपन से ही अपने बेटे पर ध्यान देती। यह नहीं कि बड़े होकर बोला कि अरे होशियार नहीं है अब क्या करना है, बचपन से ही ध्यान देती तो हो सकता है कि वह बुद्धिमान व समझदार हो जाता। तो यह थे दो प्रश्न जो कि थे भोला भाला भाग से, और यह आज हमें करने थे और देखिए हमने कर लिए। तो आप क्या सोचते हैं कि आप क्या उपाय करते अगर आप तिब्बत के मंत्री की जगह होते, मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।